तब तक वहाँ पर सब पानी में डूब चुके थे। तो ऐसे बहुत मतलब कूद के उन लोग बचा लिए, और कुछ कुछ ऐसे बहुत देर के बाद में पता चला कि नहीं और एक आदमी है नीचे, बचाइए बचाइए, बहुत अंदर चला गया जी जी। उसको फिर हम लोग निकाले और तो पूरा बेहोश हो चुका था। उसको CPR के माध्यम से मुंह से सांस दे के पेट में चेस्ट में ये लगा के CPR लगा के उनको बहुत मतलब 120 बार की कुछ ऐसे बार हम लोग मारे CPR। उसके बाद वो मतलब सांस आने लगा। हम लोग को मालूम नहीं था कि उधर पर्यटक भी है। अच्छा। अचानक उन लोग आया, उन लोग 9 परिवार पूरे थे। 9 में से जब बच्चा पानी में खेलते खेलते गया, बच्चा पानी में गिर गया, तब तक सब कोई उसको बचाने के चक्कर में कूदने लगे पानी पर, लेकिन सब नीचे दब। बीते रविवार को एक घटना सामने आई थी हुंडरू फॉल से। वहाँ एक पूरा परिवार जो है वो डूब रहा था, लगभग डूब ही गया था, लेकिन तभी वहाँ कुछ दूत बनकर पहुँचे पर्यटक मित्र जो हुंडरू फॉल में उस वक्त तैनात थे। वो सारे लोग आज यहाँ रांची के सांसद संजय सेठ के ऑफिस में पहुँचे हैं। इन सबों को सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था। उनमें से ये सारे लोग देखिए, यही लोग हैं जिन लोगों ने उस पूरे परिवार को बचाया और आज सभी ने दोबारा जीवन देखा है तो इन लोगों की वजह से। आपका क्या नाम है? बहुत कम उम्र के लग रहे हैं। मेरा नाम महेश्वर वेदिया है। उस दिन क्या हुआ था एक्चुअली पूरे घटना में? मतलब घटना वो लोग दूसरा साइड से आया था, तो वो लोग पहले हम लोग रेफरी मारे और बोले कि वहाँ मत जाइए, वहाँ स्लिप करेगा, डूब जाइएगा। तो लोग नहीं माना, वही जगह बैठ गया। एक छोटा बच्चा था, कम से कम 9 साल का, स्लिप किया, उसके बचाने के चक्कर में सब अपना अपने धारा धारी। अच्छा, पहले बच्चा डूबा था? जी, पहले बच्चा ही डूबा था। उसके बाद उसको पकड़ने गया ना, फिर पकड़ा, फिर थी उसे पकड़े पकड़े से डूब गए। पूरी घटना आपको पता? जी जी जी, हमको पूरी घटना हुआ। हम लोग उसी जगह पर थे। हम लोग तो पर्यटक मित्र के लिए तैनात रहते हैं हमेशा। वहाँ पर देखे तो उस पर्यटक उधर नहीं था, लेकिन उस बैकग्राउंड रास्ता जो है विद्युत बोर्ड की ओर से उधर से घुसे थे उन लोग, विदाउट टिकट में घुसे थे। हम लोग को मालूम नहीं था कि उधर पर्यटक भी है। अच्छा। अचानक उन लोग आया, उन लोग 9 परिवार पूरे थे। 9 में से जब बच्चा पानी में खेलते खेलते गया, बच्चा पानी में गिर गया, तब तक सब कोई उसको बचाने के चक्कर में कूदने लगे पानी पर, लेकिन सब नीचे दब गए। किसी को तैरना नहीं नहीं आता था। फिर आप लोग कितने लोगों की टीम वहाँ गए? हम लोगों मतलब 6 आदमी का टीम गए वहाँ पर, मतलब एक एक करके बारी बारी से हम लोग पहुँच ही गए वहाँ पर। तब तक वहाँ पर सब पानी में डूब चुके थे। तो ऐसे बहुत मतलब कूद के उन लोग बचा लिए, और कुछ कुछ ऐसे बहुत देर के बाद में पता चला कि नहीं और एक आदमी है नीचे, बचाइए बचाइए, बहुत अंदर चला गया जी जी। उसको फिर हम लोग निकाले और तो पूरा बेहोश हो चुका था। उसको CPR के माध्यम से मुंह से सांस दे के पेट में चेस्ट में ये लगा के CPR लगा के उनको बहुत मतलब 120 बार की कुछ ऐसे बार हम लोग मारे CPR। उसके बाद वो मतलब सांस आने लगा हल्का। तो आप लोग तैनात थे वहाँ, तब सबकी जान जो है वो बच गई। आज सम्मानित किया सर ने, कैसा लगा? हमको सम्मानित किया सर तो हमको बहुत खुश लगा, और हौसला भी बुलंद हो रहा कि आगे जाके और ऐसा करें। लेकिन इस तरह की घटनाएं होती रहती है, होती रहती है हमेशा होती रहती है। और पर्यटक स्थल देखने के चक्कर में लोग खुद जाते हैं। तो क्या कहेंगे कि उधर पीछे वाले दरवाजे से नहीं घुसना चाहिए? नहीं घुसना चाहिए भी, हम कहते हैं पीछे वाला दरवाजे से नहीं घुसना चाहिए। जो इधर से आते हैं लोग पर्यटक, टिकट लेके जाते हैं, उसको अनुभव रहता है कि और कुछ भी दिया जाता है वहाँ से मार्गदर्शन कि पर्यटक पानी में नहीं जाते हैं, फिसलने की जगह पर ना जाएं, इस तरह का उन लोग इंडिकेट किया जाता है। कितने साल से आप लोग सब ये पर्यटक मित्र काम कर रहे हैं? हम तो 2009 से हैं। आप 2009 से? बाकी आप लोग सब? मैं 2016 से। 2016 से, मतलब सब एक्सपीरियंस वाले लोग हैं। सिर्फ जैसे टिकट कटता है ना, तो टिकट कटता है तो वहाँ पर निर्देश दिया जाता है। जैसे निर्देश दिया जाता है, जैसे टिकट कटता है ना, हम लोग टिकट देते हैं तो उस समय बता देते हैं कि जहाँ डेंजर जोन है, जहाँ पर हम लोग वहाँ पर डेंजर जोन में कुछ कपड़ा बांध के और हम लोग डंडा में लगा गाड़ दिए हैं, जो इंडिकेट कर लाल झंडी लगा दिए हैं कि वहाँ नहीं जाना है, तो हम लोग वहाँ इंडिकेट बता देते हैं कि जो गार्जियन रहते हैं उन लोग लगता है कि डेंजर जोन में नहीं जाने दीजिएगा। और जैसे चट्टान है, पत्थर है, और जैसे जूता चप्पल पहन के जाते हैं, जब पानी में उतरते हैं और बालू में चलते हैं तो बालू में और लटक जाता है, जो स्लिप करता है पत्थर में, बहुत जल्दी स्लिप करता है, तो हम लोग उन लोग को निर्देश देते हैं कि ऐसा नहीं करना है। और देखिए ये पानी वहाँ पर जो है कि दो तह में चलता है, ऊपर का पानी चल रहा है लेकिन नीचे का पानी जो है ना कि वो घूमता है और वही लेट कर नीचे डूबाता है, तो इस तरह से है। तो हम लोग इंडिकेट करते हैं, लेकिन पीछे रास्ता से जब वो पावर हाउस होकर चले जाते हैं ना, तो उन लोग को कोई पता नहीं रहता है ना कि क्या करना है, निर्देश है, पता नहीं चलता है। और उसके बाद में जैसे बहुत अभी है कि क्या है कि अभी बहुत लोग है कि सेल्फी खिंचाने के चक्कर में भी गिर जाते हैं, मान लीजिए इधर पीछे नहीं देख रहे हैं
लेकिन ये फोटो इधर अपना सेल्फी की चक्कर में पीछे जा रहा है, ऐसे में भी गिरते हैं, बहुत का पैर हाथ टूटा है, इस तरह से है बहुत लोग। और बहुत लोग तो ऐसा भी है कि मानते भी नहीं है, बहुत लोग जो आए हैं तो बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं हम लोग कहाँ नहीं घूमेंगे, तो हम लोग बोलते हैं घूमिए लेकिन जहाँ डेंजर जोन है वहाँ पर नहीं जाइए। इस तरह से हम लोग निर्देश देते हैं, इसलिए टिकट कटता है तो हम निर्देश देते हैं, सारा चीज़ करते हैं। और वहाँ हम लोग सुबह से जैसे 8 बजे से रहते हैं 5 बजे तक, और वहाँ 5 बजे के बाद में हम लोग वहाँ से हटाना शुरू करते हैं, विसिल मारते हैं, विसिल मार के जैसे नीचे रहते हैं लड़का लोग, उन लोग भी विसिल मार के कि अब समय ख़त्म हो चुका है, अब चले जाइए, क्या शाम का समय होता है, चढ़ने में अगर हुंडू पुल में 750 सीढ़ी है तो चढ़ने में भी समय लगता है। आप लोगों के पास सारी सुविधा है बचाने की? बचाने के लिए ऐसा सुविधा तो अभी जो JTDC द्वारा रिंग लाइफ जैकेट दिया गया है, कुछ रिंग दिया है, रिंग्स दिया गया है, लेकिन अब तो वो पुराना हो चुका है, लेकिन उसी से भी मान लीजिए जैसे कि हम लोग का वहाँ लोकल है ना, तो कुछ जान है तो अब जैसे लोग दूसरा का जान जा रहा है तो हम लोग तो बचाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग उसी काम करते हैं, हम लोग को सुबह से काम के लिए रखा गया है, देखा गया है, तो हम लोग उसको बचाने का प्रयास करते हैं ताकि ऐसा घटना ना घटे। लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि बिना हम लोग का अनजाने में कभी ऐसा घट भी जाता है अचानक, मैंने तो नहीं हो। किस तरह से आप लोग जब कोई डूबने लगता है अचानक तो किस तरह से आप लोगों को पता चलता है और कैसे सब बचा पाते हैं? देखिए हम लोग वहाँ जो ड्यूटी करते हैं 5 लड़के नीचे ड्यूटी होते हैं, एनी टाइम रहना है उनको, अगर आवश्यकता है तो और अधिक जा सकते हैं, तो पांचों दिशा में अपना अपना रहते हैं, और एक दो अगर बैठते भी खाने के लिए तो पेट्रोलिंग टाइप में जैसे होता है उसे करते रहते, पतल से भी पतल कर घूमना है, उसी में निगाह जो डूबते हुए पड़ जाता है, जो परिवार को चिल्ला दिया, आवाज़ लगा दिया, तो उसकी मदद के लिए तुरंत दौड़ जाते हैं, और नहीं तो देखते हैं कि अगर देख रहे हैं तो कूद जाएंगे पानी में डायरेक्ट बचाने के लिए। आप लोगों का सिर्फ यही काम? नहीं, हम लोगों का बहुत सारा काम है, वही काम बचाने के नहीं है। हम लोगों पर्यटकों का प्रवेश टिकट काटना है, और उसके बाद पार्किंग भी देखनी है, बहुत सारा जो काम है उस हम लोगों का कराया जाता है। तो अभी आप लोग वेतन पर रहते हैं या फिर? नहीं, अभी तो हम लोग मनरेगा मजदूर की तरह है। क्या वेतन क्या मिलता है अभी? 358 रुपया मिल रहा है 26 दिन। एक दिन का 358? हाँ, यही मिल रहा है 26 दिन जी। तो देखिए इनको सिर्फ एक दिन का जो मजदूरी की कीमत जितनी होती है लगभग 350 रुपये कह सकते हैं वही दिया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, कुछ अपील है आप लोगों की? देखिए हम लोगों तो बहुत कम है, काम कर रहे हैं हम लोग 30 दिन, और पैसा मिल रहा है हम लोग 26 दिन, ऐसे तो कम है। और छुट्टी में सबको छुट्टी मिलती है, जैसे आपका दशहरा हो गया, दिवाली हो गया, 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, जो राष्ट्रीय पर्व है, हम लोगों का कोई छुट्टी नहीं है, हम लोग काम करना ही है। होली में भी हम लोग मना नहीं पाते हैं, होली में ड्यूटी करते हैं, तो इसके अनुसार हम लोगों को तो वेतन बढ़ना चाहिए, और जो सुविधाएं हम लोगों को होनी चाहिए तो मिलना चाहिए सुविधा। अभी सर से आप लोगों ने ये मांग नहीं रखी कि हमें 30 दिन का कम से कम? मांग तो अभी मांग पत्र सौंपेंगे सर को अभी हम लोगों इसके बारे में जी। तो देखिए यही वो सभी पर्यटक मित्र हैं जो आज संजय सेठ के ऑफिस पहुंचे हैं, इन सबों को कुछ राशि भी दी गई है और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। संजय सेठ ने कहा है कि वो लोकसभा में भी इस बात को उठाएंगे और पूरा देश इनकी वीरता को जानेगा। उन्होंने वो केंद्रीय मंत्री जो है हमारे अमित शाह, उनको भी एक पत्र के जरिए इस मामले से अवगत कराएंगे। तो ऐसे ऐसे लोग हैं समाज में जिनकी वजह से आज भी इंसानियत जो है वो कायम है। शुक्रिया। Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in